107 करोड़ रुपीज आईपीएल एक मैच से कमाता है, पीएसएल पूरे सीजन से 83 करोड़ कमाता है। कुछ प्लेयर्स, कुछ हमारे ऑफिशियल्स, वो दे यू नो दे ट्राई टू कंपेयर द आईपीएल विद द पीएसएल, पीएसएल डोंट कंपेयर एनीथिंग विद द आईपीएल, द आईपीएल इज टोटली यू नो इट्स लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो लेवल ही दूसरा है। पैसा 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 कितना सारा पैसा, 65 करोड़ रुपीस सिर्फ चार प्लेयर के, 50 करोड़, यानी कि अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करूं अली साहब तकरीबन 50 करोड़। हम क्या कम टैलेंटेड हैं हमारे प्लेयर इंडिया से, इंडियंस इतना पैसा बना रहे हैं और हम उतना जो है वो पैसा ना बना सकते, जितना उनका एक खिलाड़ी लेता है। जो सच वाली बात है, देखो हकीकत बात यही है कि जो उनका एक खिलाड़ी केएल राहुल लेता है, हमारी उसमें डेढ़ से दो टीमें बन जाती है। एक बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑक्शन हुआ है यार, अभी मिनी ऑक्शन है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जनाब 16 करोड़ 17 करोड़ 18.5 करोड़ सैम करन के तो वारे नहीं आ रहे हो गए। मुंबई इंडियंस ने देखें कितना पैसा लगा दिया, पंजाब किंग्स ने कितना लगा दिया, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है चार खिलाड़ी 15 करोड़ से ऊपर निकल गए हैं। लोग जो ये कह रहे थे कि भाई आईपीएल से और लीग आगे निकल गई है, तो उनको आज ये ऑक्शन देख लेना चाहिए कि भाई आईपीएल से कौन सी लीग पीछे है और कौन सी आगे है। आईपीएल का ऑक्शन अभी चल रहा है और भाई मैं तो मतलब ये क्या हो क्या रहा है भाई क्रिकेट में, 18.5 करोड़ इंडियन रुपीज, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज, 16.5 करोड़ इंडियन रुपीज, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो ऑक्शन हुआ है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि चार खिलाड़ी जो है वो 15 करोड़ रुपीज से ऊपर बिके हों, इससे पहले चार खिलाड़ी 15 करोड़ से ऊपर नहीं गए हैं, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है चार खिलाड़ी 15 करोड़ से ऊपर निकल गए हैं। यू कैन इमेजिन कि जिस प्लेयर को मतलब जैसे सैम उसको सैम करन को 18.5 करोड़ मिले हैं, तो उसको अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो आप मतलब गश खा के मतलब गिर जाएंगे। और उस पर मुझे हैरत ये होती है कि मतलब हमारे कुछ प्लेयर्स, कुछ हमारे ऑफिशियल्स, वो दे यू नो दे ट्राई टू कंपेयर द आईपीएल विद द पीएसएल। पीएसएल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ टूर्नामेंट है और मतलब इट्स ऑर्गेनाइज वेरी वेल और कॉम्पिटेटिवनेस भी है, लेकिन यार आई मीन डोंट कंपेयर एनीथिंग विद द आईपीएल, द आईपीएल इज टोटली यू नो इट्स लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो लेवल ही दूसरा है। पाकिस्तान क्रिकेट ऐसा लग रहा है बारिश फट गया है, बारिशों की बारिश हो रही है हर तरफ, जो आईपीएल मिनी ऑक्शन में नोट इन नोट जो है वो गिर रहे हैं, जो जो खिलाड़ी नहीं बिक रहे हैं वो उनको देख देख कर जेलस हो रहे हैं, जो बिक रहे हैं लंबे लंबे नोटों के जो है व्यापार हो रहा है यहाँ पे, बड़े बड़े पैसों में बड़े बड़े खिलाड़ी जो बिक रहे हैं। किस मुझे लगता है भैया ये पैसे, पैसे की ताकत जो है ना ये मैच नहीं कर सकती कोई भी, क्योंकि ये एक ऐसा अनबिलीवेबल पैसा है जो शायद कोई किसी की समझ भी नहीं आना कि यार ये पैसा इतना क्रिकेट के अंदर हो कैसे सकता है, लेकिन है हमारे सामने, हम देख रहे हैं अनबिलीवेबल 18.50 करोड़, यानी कि अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करूं अली साहब तकरीबन 50 करोड़ बनता है। 50 करोड़ में सैम कुरन जो स्कूल कॉलेज का बच्चा भी इंटर सेंटर को एग्जाम दिए थे, 50 करोड़ का आईपीएल की तारीख का सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी इंडियन रुपीस में 18.50 और ओवरऑल 50 करोड़ का कुरन बिका अली साहब, ये मैं कहता हूं कि दुनिया की किसी भी कोने में जाके अपनी लीग करवा सकता है। सारे लोग जो ये कह रहे थे कि भाई आईपीएल से और लीग आगे निकल गई है, तो उनको आज ये ऑप्शन देख लेना चाहिए कि भाई आईपीएल से कौन सी लीग पीछे है और कौन सी आगे है, और आईपीएल का लेवल जो है वो यहां से पता चल जाना चाहिए। तो जो कह रहे थे वो अगर आईपीएल में जाते तो उनका क्या बोली लगती, उनकी क्या कीमत लगती, ये हम सब जानते हैं कि उनके भैया पैसा ऐसा वैसा नहीं है, ये पैसा बहुत बड़ा पैसा है। 16.25 फोर्थ हाईएस्ट, मेरे ख्याल से जॉइंट थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इन आईपीएल हिस्ट्री, जितने भी आईपीएल हुए हैं 15 सालों के अंदर उसमें सबसे ज्यादा तीसरे नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। लेकिन पैसा तो हैरी ब्रूक ने भी बहुत बनाया, पैसा तो सैम करन ने भी बहुत बनाया। सैम करन अभी तक के इस इंटरनेशनल फॉरन रोस्टर में मेरे ख्याल से वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लेयर, 18.50 तो कॉस्टलियस्ट प्लेयर इन द सबसे महंगा प्लेयर आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर वो बन गया सैम करन, 18.50 CRINR, हमारे पाकिस्तानी में तो बहुत सारे बनते हैं 60 करोड़ रुपए बनते हैं, तो अपने में मिस्टर बजाज, तो आज से सैम करन अपना नाम रख दे सैम, मिस्टर सैम बजाज को करन। किस ने लिया सैम कुरन, जो स्कूल जाता बच्चा है उसपे कुर्बान हो गए हैं, उसपे नोटों की बारिश कर दी गई है, किसने बचाया उसके ऊपर ये 18 करोड़, ये क्या हो रहा है भाई, 18.50 करोड़। और फिर अजीब अजीब मतलब जिस तरह से आज अब तक मतलब जो ऑक्शन हुआ है उसमें ऐसे ऐसे प्लेयर्स को अनसोल्ड गए हैं कि मैं हैरान हूं यार, ऐसे ऐसे प्लेयर्स को लिया गया है जो कि मैं सर खुजा रहा हूं कि यार ये फ्रेंचाइजेस की क्या स्ट्रेटेजी क्या होती है। और फिर मतलब आप छोड़ भी रहे अच्छे अच्छे प्लेयर्स, लेकिन नॉट सरप्राइज एट ऑल कि सैम करन 18.5 करोड़ में गया भाई वो, और क्या उसका नाम है अपना बेन स्टोक्स जो है वो राजस्थान रॉयल्स ने उसको ले लिया 16.5 करोड़ में। बड़ा सरप्राइज कैमरॉन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ में उठाया, दैट्स अ लॉट ऑफ, मतलब लास्ट जो आईपीएल ऑक्शन हुआ था उसमें आई थिंक 16.5 करोड़ सबसे हाईएस्ट था जो किशन ईशान किशन को मिला था। तो तीन ओवरसीज प्लेयर्स को इतने ज्यादा पैसे देना, निकोलस कुरन को भी जो है कैसे बोलते हैं अपना लखनऊ ने जो है 16 करोड़ में उठाया यार। उसके बाद आईपीएल मिनी ऑक्शन हुआ है और क्या जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग किस्म के जो है वो मामला हुए आईपीएल के आज ऑक्शन में, और सैम करन भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ डाला है इस बंदे ने, सब पैसा जो है वो ले गया है सैम करन, बेन स्टोक्स चैंपियन सारा पैसा ले गए हैं। तो बेन स्टोक्स की अगर बात करें तो कमाल का, फिर सैम करन 18.5 करोड़ रुपीज, सैम करन ऑलराउंडर टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल के हीरो,
जो 18.5 करोड़ रुपीज कमाल हो गया, तो इसके वाले से भी बात। लेकिन एक बात मतलब ये चीजें चलती रहेंगी, और मैं समझता हूँ कि यार ये जो आईपीएल में जो आज पैसा हमने देखा है, जो करोड़ों रुपए की हमने बरसात देखी है, और ये ध्यान में रखिएगा कि जो इंडियन रुपी है वो बेसिकली इस मतलब एक इंडियन रुपी जो है वो डबल ही हो जाता है पाकिस्तान के 2 रुपए होते हैं। कुरन अकेला, कुरन अकेला, बाकी तो खैर बात करेंगे, कुछ लंबे चौड़े लिस्टें हैं उनको तो छोड़े अभी फिलहाल। अकेला कुरन जाकर एक दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो बांग्लादेश जैसी लीग हो, चाहे वो कैरेबियन वाली लीग हो, चाहे वो ये भी कोई भी वाली बात करो, हर किस्म की लीग जो है वो अपने हिसाब से 3-10 लीगें आपकी चल रही होती हैं, दुबई में चल रही हैं, आपके खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये लंका प्रीमियर लीग, इनका टोटल बजट है टोटल जो ये पूरे खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजीज का, और ये पाकिस्तान क्या में 50 करोड़ का अकेला कुरन बिका है, और जंपर ये जो फेंका है पंजाब किंग्स ने इसके ऊपर कहा था कि बड़ा मछली हम ले जाएंगे, लेकिन जो मेरे नजदीक सबसे बड़ी मछली है, द बिगेस्ट मछली, द बिगेस्ट, वो है बेंजामिन। बेंजामिन दी स्टॉक्स की अगर हम बात करें 16.25 करोड़ में बिके हैं चेन्नई सुपर किंग की जगह से, इससे ऊपर बिका कैमरन ग्रीन की फॉर्म चल रही थी, वो 17.50 करोड़ में बिका मुंबई का, और वो आईपीएल की तारीख का सेकंड तरीन मोस्ट एक्सपेंसिव इन आईपीएल हिस्ट्री, आईपीएल क्रिकेट हिस्ट्री, और नंबर वन पे सैम कुरन आ गए। मोहम्मद रिजवान साहब के बयान में एक पढ़ रहा था पीएसएल और आईपीएल के हवाले से, कुछ एक दो वेबसाइट्स में मैंने देखा, पता नहीं कहाँ उन्होंने ये बात की है, लेकिन उन्होंने ये बात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी द पीएसएल इज अ बिगर एंड बेटर टूर्नामेंट देन आईपीएल। मतलब किस लिहाज से पीएसएल बड़ा टूर्नामेंट है आईपीएल से, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये जो कॉम्पिटिशन की ये बात करते हैं कि जी बड़ा कॉम्पिटिशन है पीएसएल में, मतलब यार क्या फर्क है जो कॉम्पिटिशन ये सारी लीग्स में होता है। दूसरी लीग के साथ मसला ये है कि उनको इतना हाइप नहीं मिलती शायद जितनी पीएसएल और आईपीएल को मिलती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन क्या फर्क है कॉम्पिटिशन में, सारे लीग्स एक जैसे ही होते हैं यार, एक जैसी बैटिंग होती है, वही प्लेयर्स होते हैं, वही परफॉर्मेंसेस होती है, तो ऐसा क्या मतलब पीएसएल डिफरेंट हो गया भाई दूसरे लीग से। रिजवान साहब हमें समझाते हैं कौन सा लेवल ऑफ कंपटीशन इतना हाई चला गया, कोई मतलब मरीज से आके प्लेयर्स खेल रहे हैं पीएसएल में जो कि दूसरी लीग में नहीं खेलते हैं, तो ये फिर बस फिर क्या कह सकते हैं यार, फिर मतलब अब वही वाली बात है ना कि आप किसी की जबान पर तो ताला लगा नहीं सकते, जिसका जो दिल चाहता है वो बोलता है भाई वो बोले, लेकिन इंसान जो बोलता है उसको थोड़ा सा सेंसेबल तरीके से बात करनी चाहिए, कुछ लॉजिकल बात करनी चाहिए। आईपीएल कैसे बड़ा हुआ क्योंकि एक्सक्लूसिविटी है, अपने प्लेयर्स कहीं बाहर नहीं जाते, आपको इंडियन प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में खेलते हुए देखते हैं, बट द काइंड ऑफ मनी दैट इज इन्वॉल्व्ड, इसी वजह से वो अपने प्लेयर्स को बांध के रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में हम इतना इन्फ्लक्स ऑफ कैश और इतने पैसे जो हैं हम अपनी इकोनॉमी के हिसाब से क्या ये ला सकते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपको लगता है पाकिस्तान सुपर लीग अचीव कर सकते हैं? दूसरा, उन्होंने लीग की एक्सक्लूसिविटी क्रिएट की, वो किस तरह के 10 साल उन्होंने अपने इंडिया में कोई लीग नहीं होने दी उसके अंदर, जिसकी वजह से आईपीएल जो है वो स्ट्रेंथन हुई। उस चक्कर में इंडियन कंपटीशन कमीशन ने बीसीसीआई को 52 करोड़ रुपए का फाइन किया कि आपने यहाँ पे ये लीग सिर्फ करके कंपटीशन खत्म किया। उन्होंने उसको भी लिया, उन्होंने 52 करोड़ को भी लिया, उन्होंने कहा लेकिन हमने आईपीएल को बड़ा करना, और उस एक्सक्लूसिविटी को 10 साल उन्होंने बरकरार रखा। उसके बाद फिर कर्नाटका लीग और ये वो लीग आ, क्या हम लोग ये कर रहे हैं? पहली बात हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल सक्सेसफुली प्रूव हो चुका है। चले हम अपने प्लेयर को अगर नहीं रोक सकते तो लीग को तो एक्सक्लूसिव कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात आपने फाइनेंशियल की कि फाइनेंशियल कैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल आता कहाँ से ये समझने की जरूरत है। हम ये समझते हैं कि जी बड़ा नाम आ जाएगा तो लीग बड़ी हो जाएगी, वो एक हद तक उन लीग्स के लिए ठीक होता है जो लॉन्च हो रही होती है। जो लीग इस्टेब्लिश हो चुकी है, जिस तरह लाहौर कलंदर कराची किंग ये वो ब्रांड्स इस्टेब्लिश हो गए हैं, उनको एज सच बड़े नामों की उस तरह से जरूरत नहीं होती। आपको करना यह है कि आपको अपने फाइनेंशियल मॉडल को ठीक करना है। right. आज आपका इंडिया का ब्रॉडकास्ट जो है वो 6 बिलियन का 48,000 करोड़ इंडियन रुपीस का क्यों जाता है? hmm. वो इसलिए नहीं जाता कि वहां पे बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, वो इसलिए जाता है कि उसका जो मॉडल है वो ऐसा है, जिस तरह के वहां पे पे पर व्यू है, जो लोग जिसने देखना होता है आईपीएल वो पैसा दे के पैसे मैच देखते हैं। हमारे यहाँ हम उस तरह की पॉलिसीज को अभी तक ना तो मेरा ख्याल में फॉलो कर रहे हैं ना उसके बारे में सोच रहे हैं। ये लीग पाकिस्तान में मेरा ख्याल में इंडिया में आईपीएल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, तो हमें उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता उनकी आवाम कितनी ऑन बोर्ड होगी इस बात पे। वो कहते थे हमारी आवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो इंडियन फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हो। सो वॉट शुड बी हमारी स्ट्रैटेजी, होनी क्या चाहिए अब, बिकॉज ये तो दरवाजे हमारे क्रिकेटर्स के लिए इंटरनेशनली बंद होते जाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये वैलिड कंसर्न है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह आईपीएल ने ग्रो किया है उसकी वजह से उसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग और हेल्दी right. हैं कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं उन ओनर्स को कि वो डिफरेंट जगहों पे जाके लीग को बाय कर सकें या टीमों को बाय कर सकें। अगेन फिर वही बात आती है कि आईसीसी को भी सोचना चाहिए कि क्या एसोसिएट को अपनी लीग करवाने का मकसद ये था कि किसी इन्वेस्टर्स को आप एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वहां से वो अपनी कमर्शियल सेंस बना सके। दिस इज व्हाट आईसीसी नीड टू थिंक, बट एज ए बोर्ड या एज ए क्रिकेट फैन हम सबको ये सोचना चाहिए कि एक मुल्क की डोमिनेशन जो है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, इट्स नॉट गुड फॉर द गेम।
क्योंकि आप बहुत और ये सामने ऑन गार्ड है क्योंकि ये लोग जैसे जैसे आप देखेंगे लीक होती जाएगी, प्लेयर्स जो है ये आपके इरोड्स होते जाएंगे, ये आपकी जो नेशनल कमिटमेंट्स हैं उनकी वो लेस प्रायोरिटी बनते जाएंगे। तो इसके लिए ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट ऑफ द गेम मैंने भी थोड़ा सा कुछ कपल ऑफ मंथ्स पहले बात हुई थी मेरी जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ, और मैंने तो प्रपोज भी किया था अनऑफिशियली ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वी कैन फॉर्म एन अलायंस। देखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सफर होने लगी है, बिग बैश 100 बॉल सफर होगी इससे, डेफिनेटली CPL भी सफर होगी किसी हद तक। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना एक अलायंस बना सकें इन बोर्ड्स के साथ मिलकर, क्योंकि हम सब एक बोर्ड एक ही बोर्ड में सवार है और हमें एज ए गुड कॉर्पोरेट हमें इसको फोर्सी करना चाहिए और इसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि इंडियन प्लेयर तो एनी वे इंडिया किसी को नहीं देता, किसी लीग को नहीं देता। तो हमें अपनी ये एक सजेशन है, हमें अपनी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज ये चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है। हमारे सामने पर मैच फीस PCB ने अनाउंस की है, देखने में वो हमारी इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ज्यादा मैच फीस है, मगर जब मैं और बाकी ममालिक में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उसके मुकाबले में ये मैच फीस बहुत कम है। इसी तरह जब ये लीग्स बढ़ेंगी, जब फाइनेंसेस बढ़ेंगे, जब इंसेंटिव ज्यादा बढ़ेंगे, सो अपनी अपने मुल्क की इकोनॉमी को देख के वो सारी चीजें बढ़ाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए। हो ये रहा है कि जो IPL ओनर्स हैं उन्होंने अपने एसेट एक्वायर किए हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने UAE में भी किया, साउथ अफ्रीका में भी किया और IPL भी उनके पास है। IPL का आपको पता है 2.5 महीने की विंडो होगी। अब एज ए प्लेयर आप अब मेरा ख्याल में उनको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ये लोग लेके जाएंगे, क्योंकि एक साल के अंदर एक प्लेयर को अगर आप 3 लीग्स दे देते हैं और उसको इनफ मनी दे देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर के लिए ये कोई मुश्किल डिसीजन होगा कि वो क्या करना चाहते हैं, बिकॉज एज ए प्रोफेशनल दिस इज देयर ब्रेड एंड बटर, यहीं से उन्होंने कमाना है, यहीं से उन्होंने अपनी सारा करियर बनाना है। तो ये चैलेंजेस बहुत बड़ा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए और मेरे ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग तो ऑब्वियसली एक लीग है जो इफेक्ट होगी। बोर्ड्स को ये सोचना चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट रखें। राइट एक चीज़ जो समी नज़र आ रही है वो ये है कि जरा इंडियन इन्फ्लुएंस है, कॉन्सनट्रेट हो रही है, इंडियन ओनर्स ही हैं। आपने इन दो लीग का नाम लिया, आई थिंक कैरेबियन प्रीमियर लीग तक में वी नो दैट जो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो नाइट राइडर्स है दैट टू इज ओन बाय वी नो इंडियन फ्रेंचाइज ओन करती है उसको। सो ये जो कॉन्सनट्रेशन हो रही है इन वन कंट्री, आई मीन वॉट शुड बी यार, देखिए हम क्या करने वाले हैं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अब एक चीज़ बन जाती है, बिकॉज ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, बिकॉज इंडियंस तो बड़ा क्लियरली ये बोल चुके हैं कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे। उन्होंने कहा जी कि हमारी अवाम, आई मीन अवाम पे उन्होंने डाल दिया। मुझे आप बताएं कि IPL जो है वो इतनी बड़ी लीग कैसे बनी? दो बुनियादी उसकी रीजन है। पहली रीजन ये थी कि उन्होंने उसमें एक्सक्लूसिविटी क्रिएट की, अपने इंडियन प्लेयर्स को अलाउ ही नहीं किया कि वो कहीं जाके खेले, जिसकी वजह से जो सारा फैन है उसको अगर इंडियन प्लेयर को देखना है तो दे हैव टू वॉच IPL, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने एक्सक्लूसिविटी IPL को बड़ा